ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान वाच, हमारे पास संकल्प शक्ति अति महत्वपूर्ण शक्ति है। संकल्प हर मनुष्य को लगातार चलते हैं और हार्डली कोई मनुष्य ध्यान देता है कि वो क्या संकल्प चला रहा है। जब हमारे मन में मन को भारी करने वाले संकल्प चलें, तो हम उन पर ध्यान दें। कौन सा संकल्प मुझे भारी करता है, और उस संकल्प को हम ज्ञान के बल से, समर्पणता के बल से समाप्त करके स्वयं को हल्का कर दिया करें। मान लो किसी को ये संकल्प ही भारी करता है, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, देखा वो फलाना तो मेरे बारे में ही सदा सोचता रहता है। इन सब को संकल्प बल से ही समाप्त करेंगे। क्या संकल्प? उदाहरण के लिए, अरे हम तो बाबा के सामने स्पष्ट हैं, बाबा हमें जानता है, हम भी स्वयं को जानते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसे क्या फर्क पड़ने वाला है। सूरज चमक रहा है, कोई उसे गाली देता रहे, कितनी गर्मी कर रहा है, कैसा आपका गोला बरसा रहा है, भला इसे सूरज को कोई फर्क पड़ेगा क्या। ऐसे ही हम जरा चेक कर लिया करें, कौन सा कमजोर संकल्प कब आकर हमारे मन की दिशा और दशा को बदल देता है, कौन सा संकल्प हमारी खुशी छीन ले जाता है, कौन सा संकल्प हमारे उमंग उत्साह को नष्ट कर देता है, कौन सा वो संकल्प है जो हमें निगेटिव करता है। क्या सोचते हैं हम, जिसका अपने चिंतन पर, संकल्पों पर ध्यान हो, वो जल्दी ही संकल्पों के दबाव से, बोझ से, निगेटिविटी से मुक्त हो जाता है। उसके संकल्प बहुत ही सुखदायी हो जाते हैं, उसके संकल्प विश्व कल्याण के होने लगते हैं। तो संकल्पों में बहुत शक्ति भी है। हम अपने सारे कार्य भी संकल्प शक्ति से संपन्न कर सकते हैं। देखिए, संकल्प यदि लाइट रहे, हम बहुत लाइट होकर रहें, मन पे कोई बोझ न रखें, तो हमारी ये मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तब हम संकल्प से ही कई काम कर लेते हैं, हमारे संकल्प सफल होने लगते हैं, सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारी संकल्प शक्ति किधर काम करती है। हमें कोई विचार भारी तो नहीं करता, आज विशेष ये ध्यान देंगे और अपने जीवन को ऐसा मोड़ देंगे कि कोई भी संकल्प हमें भारी न करता रहे। थोड़ा दिन अटेंशन देंगे तो पता चलेगा कि जो संकल्प हमें भारी करता है उसकी तो ज्यादा वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति की है। हम एक छोटी सी बात के कारण अपनी खुशी को, अपने हल्केपन को क्यों समाप्त करें, क्योंकि जब हम भारी हो जाते हैं, हमसे चारों ओर फैलने वाले वाइब्रेशंस भी भारी हो जाते हैं। और हमें तो अपने घर में क्रिएट करना है बहुत खुशी का, शांति का, हल्केपन का वातावरण, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बस आज सारा दिन भी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ बाबा को देकर हल्के रहना। और ये नशा रखना, कौन मुझे साथ दे रहा है, ये दोनों ही बातें बहुत सुंदर है। तो आज सारा दिन प्रैक्टिस रहेगी, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, और कोई भी बात मन को भारी कर रही हो, जैसे उसे गठरी बांध कर हम बाबा के हाथों में सौंप रहे हैं, लो बाबा ये मन का बोझ तुम्हारे हवाले,
आप पाएंगे तुरंत आपको कोई सुंदर संकल्प आ जाएगा जो आपके मन को पूरी तरह से हल्का कर देगा। इसके सुंदर अनुभव आज सारा दिन करने हैं और अभ्यास करना है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ और आकाश में हूँ और बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पढ़कर नीचे सारे विश्व में फैल रही हैं। ये योगदान सारे विश्व को सुख शांति संपन्न और विघ्नों से मुक्त करता है। ओम शांति।